बाहुबली को पछाड़ दिया है संजू ने, इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू साल 2018 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई की है और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन कमाई की और ऑस्ट्रेलिया में बाहुबली 2 की कमाई को पीछे छोड़ दिया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने खुद संजू के बारे में लिखा है कि यह अद्भुत है। संजू ने बॉक्स ऑफिस पर ऑस्ट्रेलिया में लाइफटाइम कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और भारत की तरफ से यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। तरण ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई अब तक की 5 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों का जिक्र है। इसमें सबसे ऊपर है पद्मावत जिसने कमाए हैं 31,63,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। फिर है दंगल जिसने कमाए हैं 26,23,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। संजू ने कमाए हैं 24,09,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। वहीं बाहुबली ने कमाए हैं 24,07,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और पीके ने कमाए हैं 21,10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तीसरे नंबर पर साल 2018 की सबसे सफल फिल्म संजू है। संजू ने ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त कमाई की है और बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है। पांचवे नंबर पर फिर से मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म है पीके। पीके को भी खुद राजकुमार हिरानी ने ही डायरेक्ट किया था और नंबर 3 पर आई संजू भी राजकुमार हिरानी की ही फिल्म है। इस फिल्म में संजय दत्त की जिंदगी को दर्शाया है। बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की है। फिल्म को देश और दुनिया में काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में संजय दत्त के रोल में रणबीर कपूर की सराहना की गई है।